मीडिया के प्रिय मित्रों, आप सबका आज इस अवसर पर स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और हम सबके बहुत ही प्रिय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी और विधानसभा में हमारे पार्टी के नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी पूर्व में विधानसभा में हमारे नेता रहे, हमारे पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे सह प्रभारी सिन्हा जी, सभी लोग यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं अपनी बात कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप सबकी उपस्थिति में पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी अपने माननीय राष्ट्रीय नेताओं का इस अवसर पर विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के योग्य समझा है। श्री विजय गोयल जी, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी और हमारे सभी दिल्ली के नेताओं के एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से नितिन गडकरी जी को आज के इस अवसर पर हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली के देव दुर्लभ कार्यकर्ता और देव दुर्लभ नेता मिलकर आगामी कुछ ही हफ्तों के बाद दिल्ली को कांग्रेस की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, मैंने ये निकम्मी शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि किसी सरकार को, बहुत कम सरकारें ऐसी हैं जिनको 15 वर्ष का शासन करने का मौका मिला है, लेकिन दिल्ली की सरकार को लगातार 15 वर्ष का शासन करने के बावजूद भी ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है। समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इसलिए मैंने निकम्मी शब्द का प्रयोग किया है। इस सरकार से दिल्ली के लोगों को दिसंबर में आज़ादी मिलेगी और उसके कुछ ही महीने के बाद जो देश में शायद आज दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, उस सरकार से भी मुक्ति मिलेगी और देश के अंदर भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम सब लोग श्री नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। मुझे आज के इस अवसर पर ये कहना है कि कुछ बातें कल हमने अपने सोच के बारे में आपको दी थी, आप लोगों से, बहुत लोगों से बातचीत भी हमारी कल हुई और पिछले दिनों के अंदर हम लोग लगातार पिछले सालों में मिलते रहे हैं। जैसा कि अभी विजय जी भी कह रहे थे कि 15 वर्ष के शासन के बाद भी आप जितने भी संभावित फ्रंट्स हो सकते हैं, आप बात बिजली की करें, पानी की करें, सड़क की करें, परिवहन की करें, शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें, यमुना की करें, दिल्ली के अंदर गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, रीसेटलमेंट कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों के 15 वर्ष के बाद भी उसी तरह के नारकीय जीवन की करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके तहत दिल्ली में 15 से 20 लाख लोग केवल एक राशन कार्ड लेकर घूम रहे हैं जिस पर मोहर भी नहीं है और उससे कोई राशन नहीं मिलता है, त्राही त्राही कर रहे हैं, और फिर इन सब से ऊपर
सरकार के सब विभागों में भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो बिजली के निजीकरण का हो, और इसके साथ साथ दो सरकारों की मार, जिसमें दिल्ली की सरकार भी और केंद्र की कांग्रेस सरकार भी, महंगाई की मार से जिसने दिल्ली के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। खाली कोई गरीब आदमी ही नहीं, जिसको शायद दो वक्त की रोटी ठीक प्रकार से मुहैया नहीं हो पाती है, लेकिन आज मध्यम वर्गीय अपर मिडिल क्लास लोग भी जो है वो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो, चाहे वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का किराया हो, चाहे वो फलों की सब्जियों की कीमत हो, चाहे वो प्याज तो एक सिंबल है जिसकी आप लोग चर्चा करते हैं, लेकिन 100 रुपये किलो की प्याज एक सिंबल है, लेकिन किसी फल या किसी सब्जी के बारे में जाकर मार्केट में पता कर लीजिए, हमारी बहनें जो है उसको एंडोर्स कर पाएंगी जो मार्केट जाती होंगी। कोई दाल, कोई तेल, कोई घी, यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जिस चीज़ के बारे में भी हम सोच सकते हैं दिल्ली के अंदर, वह चीज़ महंगाई की दृष्टि से अपनी चरम सीमा पर है। कहते हैं कि गरीब आदमी की थाली में अगर सब कुछ खाली हो जाए, कटोरी में से दाल गायब हो जाए महंगाई के कारण, कटोरी में से सब्जी गायब हो जाए महंगाई के कारण, रोटी के ऊपर जो है वो घी ना चुपड़ पा रहा हो, तो फिर उस रोटी से प्याज और नमक लगाकर एक गरीब माँ अपने बच्चे का पेट भर सकती है। लेकिन आज जिस प्याज को ख़रीदने में आप ही लोग टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाते हैं कि अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, वो भी दुखी दिखती हैं, उसको कोई कहती हैं कि हम 250 ग्राम ख़रीदते हैं और कैसे काम चलाते हैं। एक उस माँ की व्यथा समझिए जो अपने ग्रोइंग बच्चे को दूध ना पिला पाए उस महंगाई के कारण, जो हर दूसरे दिन जो है उसकी कीमत दिल्ली के अंदर बढ़ती हो, आज ये स्थिति है। और ऐसी स्थिति के अंदर जिस दिल्ली को हम लोगों ने पैदा होने से लेकर अब तक देखा है, जिसमें सब कुछ बहुत बेहतर होता था, इस दिल्ली में हमने अपने पैदा होने के बाद एक खूबसूरत यमुना भी देखी है, इस दिल्ली के अंदर हमने पानी की भी ऐसी सप्लाई देखी है जो 24 घंटे लोगों को पानी मिला करता था, अपने बचपन के अंदर साफ़ सुथरा पानी मिला करता था, ना के बराबर कीमत के ऊपर मिला करता था। इसी दिल्ली के अंदर हमने वो सुरक्षा व्यवस्था भी देखी है अपने बचपन में, कि कभी किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि दिल्ली क्राइम का वर्ल्ड कैपिटल है, दिल्ली रेप का वर्ल्ड कैपिटल है, लेकिन आज बहुत दुख होता है कि वह दिल्ली जिसकी साख सारे देश में, सारी दुनिया में थी, वह दिल्ली जिसके ऊपर हमें हमेशा गर्व होता था, वो आज एक प्रकार से बीमार राजधानी हो गई है। कोई हमारी बच्ची सड़क के ऊपर सुरक्षित चल नहीं सकती, और सब प्रकार की समस्याओं से ग्रसित विशेषकर गरीब लोग, जो इतने वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल के बाद भी किसी एक व्यक्ति को छत नहीं मिल पाई, किसी एक सरकारी एम्प्लॉय को मकान नहीं मिल पाया इस दिल्ली शहर के अंदर, और उसी प्रकार की नारकीय व्यवस्था के अंदर ये गरीब लोग जी रहे हैं। हमें लगता है कि इस दिल्ली को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, ऐसे लगता है कि दिल्ली जैसे ICU के अंदर है, और इसके ऊपर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसके नौजवानों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको दिल्ली से बेंगलोर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उनके लिए सरकार ने 15 साल में कोई जॉब क्रिएशन का कोई सिस्टम नहीं बनाया, उन बहनों के लिए जो घर से बाहर शाम के बाद नहीं निकल सकती हैं, हमें सारी चीज़ों को, सुरक्षा व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करना होगा। इस दिल्ली के अंदर लोगों के बिजली के बिलों को कम करने के लिए, थर्मल एनर्जी के ऊपर जो कि एनवायरनमेंट को एक प्रकार से प्रदूषित करती है,
उसके रिप्लेसमेंट के रूप में जो हमें भगवान का सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। आज 15 साल में सरकार ने कोई कोशिश नहीं की कि हर घर के अंदर हम एक सोलर पावर हाउस बना सकते हैं, हर घर अपने लिए इतनी सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है कि उस ऊर्जा के माध्यम से उस घर का तो काम चल ही सकता है, वो इवन ग्रिड को भी जो है ऊर्जा बेच सकता है। हम आने वाले समय के अंदर नई नई योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो स्वास्थ्य के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हो, हम लोगों ने स्वास्थ्य में बहुत सारे काम जब सरकार में मंत्री थे तब भी किए, हमारा रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स पॉलिसी वो सारे संसार में आज दिल्ली मॉडल के नाम से जानी जाती है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए, और इसी प्रकार से शिक्षा को और अधिक मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय के अंदर हम लोग अपने विजन के बारे में धीरे धीरे बहुत विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जिसको मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज सारे समाज में भ्रष्टाचार की बहुत बात होती है, भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए, और इसके ऊपर बहुत आंदोलन हुए हैं कि इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस देश में हैं, एक और इंस्टीट्यूशन बनाओ। हमारा ये कहना है कि इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं पहले तो उनको स्ट्रेंथन करके उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करिए, नई इंस्टीट्यूशंस को भी बनाइए, लोकपाल को और लोकायुक्त को भी बनाइए। इनकी ज़रूरत के साथ इससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आज के इस मॉडर्न युग में मॉडर्न आइडियाज़ के साथ 100% पारदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी टेक्निक्स को अपने सरकारी व्यवस्था में विकसित करें जिसके माध्यम से किसी भी सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने का मौका ही ना मिले। भ्रष्ट हो गया आदमी, उसके बाद उसको पनिश कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति को भ्रष्ट होने का मौका ही ना दिया जाए। और इसको मैं सिर्फ एक छोटे से साधारण एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी जो भ्रष्टाचार सरकार के लेवल पर होता है, छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, वो वही होता है जहाँ सरकार का और जनता का इंटरफेस होता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर जहाँ भी सरकार का जनता से इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ उस ट्रांजेक्शन के प्रोसेस को अगर हमने पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया और उसके लिए आईटी की इतनी सारी आज के युग में हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स और फैसिलिटीज़ हैं जिसके माध्यम से हर चीज़ फाइल की नोटिंग भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है। अगर किसी मीटिंग के अंदर किसी टेंडर डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज़ किया जा रहा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी आदमी जो है भ्रष्टाचार करने का किसी भी प्रकार का प्रयास ना करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जब सरकार में आएंगे तो चाहे मुझे बेंगलौर जाना पड़े, चाहे मुझे चेन्नई जाना पड़े, चाहे मुझे दुनिया में कहीं से भी सॉफ्टवेयर की जो लेटेस्ट जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो लानी पड़े, हम इस स्तर की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अपने सरकार के सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे कि भ्रष्टाचार जो है करने का किसी को भी किसी तरीके से मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में हम लोग अलग अलग तरीके से आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने मेरी बात आज धैर्य के साथ सुनी है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार एक ईमानदार, पारदर्शी और जनता के हितों की निस्वार्थ भाव से रक्षा करने वाली ऐसी सरकार होगी जिसको पीपल्स फ्रेंडली सरकार कहा जा सकेगा। हर सरकार को उसके ऊपर गर्व होगा और वो सरकार दिल्ली को भारत की एक ऐसी राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है जिस राजधानी पे हर दिल्लीवासी को गर्व होगा। हम दिल्ली की साख को वापस लौटाएंगे और इस दिल्ली को, दिल्ली वालों को दोबारा से वापस लौटाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।